नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है वेज पुलाव। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ग्रीन मसाला पेस्ट यूज़ करके वेज पुलाव कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी वेजेस भी यूज़ की है, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। तो इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए 1.5 बाउल चावल। यहाँ पे मैंने बासमती चावल का यूज़ किया है। अब हम उसको अच्छे से धो लेंगे और 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना, हरा धनिया, बीन्स, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कैरेट, टमाटर और प्याज। आप चाहे तो आपकी मनपसंद सब्जियां इसमें डाल सकते हो। और खड़े मसालों में हमें चाहिए तेज़पत्ता, दालचीनी, स्टारफुल, इलायची, ब्लैक पेपर और लौंग। अब एक मिक्सी में हम पुदीना की पत्तियाँ ले लेंगे, हरा धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्च ले लेंगे, उसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन की कलियाँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने पेस्ट बना ली है। अब यहाँ पे राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया है। मिट्टी का बर्तन लेने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इसमें डाल देंगे हम तेल। तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे जीरा, ब्लैक पेपर और लौंग, इलायची, जो हमने सब खड़े मसाले लिए थे वो हम इसमें सब डाल देंगे। तेज पत्ता डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को अच्छे तरह से भूनना है सुनहरा कलर आने तक। फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट और ग्रीन मसाला पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो मसालों में हल्दी आधी छोटी चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे हम रेड चिली नहीं डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीन चिली का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम सब वेजीज डाल देंगे जो हमने ली थी। तो कैरेट, बीन्स और टमाटर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसालों में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे गरम पानी। यहाँ पे मैंने 3 बाउल गरम पानी ऐड किया है 1.5 बाउल चावल के लिए। गरम पानी डालने से स्वाद अच्छा आता है। फिर इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार और इसको उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने पहले से भिगो के रखे थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पकाएंगे। तो पकाने के लिए हम इस पे ढक्कन रख देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। इसको बीच बीच में ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। देखो, यहाँ पे हमारे चावल पक के रेडी है। इसको हम 5 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से हमारा वेज पुलाव बन के एकदम रेडी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।